नमस्कार, टारगेट ऑन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। और कैसे हैं आप सभी लोग? मैं नवीन शर्मा और मेरे गाइडेंस में आप लोग इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि टारगेटेड बैच है, अर्जुन बैच आपके एसएससी एमटीएस के लिए 60 दिन का पूरा फॉर्मेट, जिसमें 30 दिन हम लोग सब्जेक्टिव समझेंगे और बाकी के 30 दिन में हम लोग सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, किस तरीके के, किस लेवल के प्रश्न आपके एमटीएस में मिल सकते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो एक लेक्चर में हमने मैक्सिमम पॉइंट उसके कवर किए हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हो, वो उस सेशन को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका एक कंसेप्ट डेवलप हो जाए कि हाँ, इस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है और बहुत क्रमिक रूप में हम लोग उसको लेके चले। ठीक है, आज हो सकता है मैं आपके कमेंट के रिप्लाई ना दे पाऊं, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक जो हम लोगों ने लेक्चर प्लान में ड्रॉ किया था वो था वैदिक काल, है ना। वैदिक काल यानी वो काल जिसकी जानकारी हमें वेदों से मिली, उसको वैदिक काल के नाम से जाना गया। इसका कालखंड हमको याद रखना है 500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। ठीक है जी, इसमें अगर बात करें वैदिक काल के अंतर्गत, तो इसको दो कालखंडों में देखने को मिलता है। एक है आपका ऋग वैदिक काल, एक है आपका इसमें ऋग वैदिक काल, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और दूसरा इसमें हमें जो देखने को मिलता है वो है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक ये देखने को मिलता है। ठीक है जी, इस तरीके से ही है। अब जरा यहां पे समझ पाए कि जो वैदिक है, ये जो शब्द है, ये वेद से निर्मित है, है ना। अब एक एक करके क्रम में समझें, क्योंकि आज ही की क्लास में हमें वैदिक काल को समझते हुए आगे बढ़ जाना है। इसमें देखेंगे वैदिक साहित्य क्या है, वेद क्या है, आर्य कौन कौन है, इन सब के बारे में चर्चा होगी। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, इनको समझना है और इनकी विशेषताएं क्या क्या रही, उसको हम लोग जोड़ के पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के साथ। इतना पर्याप्त रहेगा आपके इस एमटीएस एग्जाम के लिए। तो चलिए अब जरा समझिए कि यहां पे जो एक शब्द है वैदिक, ये वेद से निर्मित शब्द है, साथ साथ नोट करें तो बहुत अच्छा है, साथ साथ नोट करते चल सकते हैं या समझते हुए चलें। अच्छा, वेद शब्द से निर्मित है और वेद का अर्थ है, ज्ञान, ठीक है जी। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। और वेदों की रचना जिन्होंने की उनको कहा गया आर्य, यानी वेदों की रचना जिन्होंने की उनको कहा गया आर्य। अब देखिए एक नया शब्द और आ गया, आर्य। अब ये आर्य कौन है? वेदों की रचना जिन्होंने की उनको कहा गया आर्य। और आर्य किनको कहा जा रहा है? जो कि श्रेष्ठ है। आर्य किनको कहा जा रहा है? जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, है ना, उच्च कुल के व्यक्ति हैं और सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उच्च कुलीन है, आप कह सकते हैं कुलीन है। आर्य कौन है? ये, ठीक है जी। और वेदों के संदर्भ में बात करें तो वेदों को संकलित कर रहे हैं कृष्ण द्वापायन, वेदों को संकलित किया कृष्ण द्वापायन ने। और इन्हीं का वास्तविक नाम है वेद व्यास। ठीक है जी, ये पॉइंट यहां ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, है ना। इन्हीं का वास्तविक नाम वेद व्यास। क्लियर यहां तक की पिक्चर? अब आर्य के संदर्भ में बात करें तो इसका अर्थ तो आप लोग जान गए कि आर्य किनको कहा जा रहा है? श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उच्च कुल के हैं, सर्वोच्च व्यक्ति हैं, इनको कहा जा रहा है। ठीक है, अब इनकी सभ्यता कैसी है, आर्यों की सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों की सभ्यता कैसी है ग्रामीण सभ्यता है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि नगरीकृत सभ्यता थी, नगर निर्माण योजना आप लोग जान पाए थे, वो कहीं ना कहीं उसका पतन हुआ, उसके बाद सारा मामला ग्रामीण चला गया। तो आर्यों की सभ्यता कैसी है? ग्रामीण। आर्यों का जो आप कह सकते हैं मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है पशुपालन है। ठीक है जी, और ये खाने में क्या चीज प्रयोग कर रहे हैं?
आर्य लोग खाने में किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं? खाने में ये प्रयोग करते हैं दूध और इसके उत्पाद। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूध और इसके उत्पाद, दूध और इसके उत्पाद। आर्यों के संदर्भ में ये प्रश्न बन सकता है। और आर्यों के संदर्भ में एक प्रश्न और कि आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा याद रखनी है, आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ठीक है जी, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। तो हम जान पाए कि वेद से निर्मित शब्द है वैदिक, और वेद का अर्थ है ज्ञान, और वेद की रचना कर रहे हैं आर्य। आर्यों के संदर्भ में इतने पॉइंट, और वेद वेद को संकलित कर रहे हैं कृष्ण द्वापायन, जिनका नाम ध्यान रखना है, इन्हीं का वास्तविक नाम है वेद व्यास, इन्हीं का वास्तविक नाम वेद व्यास। ये इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर है। अब जब आर्य लोग इतने महत्वपूर्ण हो गए, तो अब हर कोई ये कहेगा ना कि भाई आर्य लोग हमारे यहाँ से आए हैं, कोई कह रहा आर्य लोग वहां से आए हैं। तो आर्यों के निवास स्थान संबंधी मत सबके अलग अलग हैं, कोई कह रहा यहां से है, लेकिन उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत निकल के आता है मैक्स म्यूलर का। अभी उसके ऊपर बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग और हेडलाइन दीजिए, आर्यों के निवास स्थान संबंधी मत। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आर्यों के निवास स्थान संबंधी मत अगला हेडलाइन रहेगा आप लोगों का, आर्यों के निवास स्थान संबंधी मत, आर्यों के निवास स्थान, निवास स्थान संबंधी मत, निवास स्थान संबंधी मत, आर्यों के निवास स्थान संबंधी मत बहुत महत्वपूर्ण। देखिए कई लोगों के इसमें अलग अलग मत रहे हैं, लेकिन हमें तीन से चार नाम जानने हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला नाम, आर्यों को बताया गया कि भाई ये आए हैं मध्य एशिया से। कहाँ आए हैं? मध्य एशिया से ये आए हैं। और ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति रहे उनका नाम है मैक्स म्यूलर। क्या नाम है? मैक्स म्यूलर, मैक्स म्यूलर। और ये इनका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है, ये इनका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है, मान्यता प्राप्त मत है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कि भाई ये लोग यहां से आए हैं। दूसरे व्यक्ति आए जिन्होंने बोला नहीं भाई ये यहां से नहीं है, ये आए हैं आर्कटिक से। दूसरे व्यक्ति जो आए इन्होंने बोला ये आए हैं आर्कटिक से, आर्कटिक, आर्कटिक बोले तो उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक कहा जाए तो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और ऐसा कहने वाले रहे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक इन्होंने कहा। और इस कंटेस्ट में, इस कंटेस्ट में इन्होंने दो पुस्तकें भी लिखी, एक पुस्तक लिखी आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, जहां से पता चलता है, जहां से ये जानकारी मिली कि बाल गंगाधर तिलक बोल रहे हैं कि ये उत्तरी ध्रुव आर्य लोग आर्कटिक से आए हैं। तो इनकी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की बिल्कुल याद रखें, इनकी पुस्तक है, क्या नाम है? आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, होम ऑफ आर्यंस, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, ये इनकी पहली पुस्तक। दूसरी पुस्तक लिखते हैं गीता रहस्य, दूसरी पुस्तक लिखते हैं गीता रहस्य, जिसमें ये सब चीजें बताते हैं कि भाई मनुष्य कर्म करे फल की इच्छा ना करे, गीता में कहा गया तो। लेकिन यहां बताते हैं कि भैया मनुष्य कर्म कर रहा है तो फल की इच्छा क्यों ना करे, परिवर्तन समय की मांग है, आपको समय के अनुसार परिवर्तित होना ही पड़ेगा, है ना। अब आप जो तैयारी कर रहे हैं, ये 10वीं 12वीं की तैयारी नहीं है कि पासिंग मार्क आ गए आप पास हो गए, क्लास को आपने क्रॉस कर दिया। यू हैव टू नेम, आपको अपना नाम कंप्लीट करना होगा मेरिट लिस्ट में, और वो होगा जब आप सही आंसर लगाते हुए चलेंगे, क्योंकि सही उत्तर पे नंबर मिलना है कि नहीं है। तो ये गीता रहस्य ये पुस्तक लिखते हैं, और यही वो व्यक्ति रहे जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल जाने वाले पहले व्यक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल प्रश्न बनता है, एक मिनट और लिख लेंगे इन्हीं के संदर्भ में, बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में, कि पत्रकारिता, पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल जाने वाले, जेल जाने वाले पहले व्यक्ति, जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अच्छा इनका मत आ गया, इन्होंने बताया कि भैया आर्कटिक से आए हैं, यहां से आए हैं। तीसरे व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है, और ये बोलते हैं भैया तिब्बत से आए हैं, आर्य लोग जो है तिब्बत से आए हैं, और ये कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। यही आगे चल के कहेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में कि वेदों की ओर लौटो, क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम लोग देखें कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है
उसी के अनुसार उसका वर्ण विभाजन देखने को मिलता है। तो यही वो नारा देते हैं कि वेदों की ओर लौटो। लेकिन एक व्यक्ति और आए जिन्होंने बोला, नहीं भाई, ये आए हैं सप्त सैंधव प्रदेश से। चौथा नाम आपके सामने है, सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं, और ये कहने वाले रहे अविनाश चंद्र घोष। ये कहने वाले, ये जो व्यक्ति रहे, सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं अविनाश चंद्र घोष। अब यहां पे एक ब्लॉक कर लीजिएगा, सप्त सैंधव प्रदेश कहते किसको हैं, अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं ऐसा कहने वाले अविनाश चंद्र घोष हैं। ये नाम ध्यान रखने, तो चार नाम मैं चाहता हूं आप लोग जरूर ध्यान रखें, मध्य एशिया, आर्कटिक, तिब्बत और सप्त सैंधव प्रदेश। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं वैदिक काल की। अगर बात करें, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर वैदिक काल की अगर बात करें तो यहां पे दो प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है। पहला ज्ञान है यहां पे आपको ध्यान रखना है श्रुति जनित, ठीक है। दूसरा ज्ञान है यहां पे मति जनित। इनका मतलब क्या है और हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं अभी समझे। मति जनित, श्रुति जनित मतलब सुन सुन के जो ज्ञान बढ़ रहा है, और मति जनित मतलब मस्तिष्क से जन्मा ज्ञान। अब जो वेद है ये श्रुति जनित ज्ञान पर आधारित है, ये आपके सामने प्रश्न के रूप में आ सकता है। तो यहां पे मेंशन करेंगे कि वेद श्रुति जनित ज्ञान पर आधारित है, ठीक है। और वेदों की अगर बात करें तो संख्या आप लोग जानते हैं, वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या है चार, ठीक है जी। कौन कौन से वेद हैं, मैं क्रम में लिख रहा हूं, ये क्रम आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, ठीक है। दूसरा है आपके सामने यजुर्वेद, और तीसरा है सामवेद, और चौथा वेद है अथर्ववेद। ये चार वेद हैं, इनके नाम आप सुने हैं, तो इनको क्रम में याद रखना है, ये वेद के अंतर्गत इनकी संख्या चार। और शुरुआत के जो तीन हैं इनको वेद त्रयी की संज्ञा दी गई है। क्या बोला गया है, वेद त्रयी की संज्ञा किसको दी गई है, तो आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी वेद तीन वेदों में इनको शामिल किया गया है। ये सबसे बाद में जोड़ा गया, सबसे नया वेद। तो चार वेद हैं, यहाँ पे नाम ध्यान रखने हैं। आपकी जानकारी के लिए नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे, इसी में नोट डालकर एक पॉइंट लिखें, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, कि पांचवें वेद की संज्ञा, नोट डालकर लिखेंगे एक पॉइंट कि पांचवें वेद की संज्ञा दी गई है नाट्यशास्त्र। और ये किसने लिखा है, ये लिखा है भरत मुनि ने लिखा है, ठीक है जी। तो ये वेद के संदर्भ में ये मामला, वैदिक साहित्य में वेद हम लोग देख रहे होंगे, तो यहां पे चार नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्लियर है यहां पे। अच्छा, यहां पे एक क्रम और याद रखना है वैदिक साहित्य के संदर्भ में, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं वैदिक साहित्य की बात करें तो इसमें भी क्रम याद रखना है। सबसे पहले आपके सामने वेद, ठीक है, फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आरण्यक ग्रंथ, और सबसे अंत में उपनिषद, ठीक है जी। तो यानी एक क्रम आप ये याद रखें इसके अंतर्गत कि वैदिक साहित्य में जो क्रम है इसका क्या है, इसको आगे पीछे करके आपको विकल्प के रूप में दिया जा सकता है, इनको क्रम में लगाइए। वैदिक साहित्य, वेद कौन से हैं, इनकी संख्या चार है, इनको भी क्रम में याद रखें। तो ये वेदों के संदर्भ में सारा मामला यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे एक चीज सारा समझ पाए कि जो आर्य लोग हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ हैं, बताया जा रहा है कि भाई इन्होंने ही वेदों की रचना करी, उन्हीं को आर्य माना जा रहा है। अब ये भारत में
ये किस किस से परिचित हैं, जरा उनके बारे में समझ पाए। और जो सप्त सैंधव प्रदेश, अविनाश चंद्र घोष जी ने कहा कि भाई सप्त सैंधव प्रदेश आए हैं, वो लोकेशन कौन सा है उसको जरा देख पाए, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हेडलाइन दीजिएगा, ऐसे लिखेंगे वैदिक काल का भूगोल, जैसे लिखें वैदिक भूगोल, हेडलाइन दीजिएगा वैदिक भूगोल, वैदिक भूगोल, वैदिक भूगोल। तो जो आर्य लोग हैं, आर्य परिचित थे, आर्य परिचित थे, किनसे परिचित थे, तो सबसे पहला पॉइंट नदियों से परिचित हैं, नदियों से परिचित हैं। आर्य लोग पर्वतों से परिचित हैं, है ना। आर्य लोग मरुस्थल से परिचित हैं, मरुस्थल से परिचित हैं। एक बार जरा मैप में इनका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं किस किस तरीके से है। एक रफली डायग्राम हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जितना हमें भारत का मैप चाहिए उसके संदर्भ में, ठीक है, कुछ इस तरीके से, बस इतने की हमें आवश्यकता है। अब जरा यहाँ पे एक चीज देखें कि अगर हम लोग बात करें तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। क्या नाम है? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। अगर आप लोग क्लास ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत सारे पॉइंट क्लास में ही याद हो जाएंगे, है ना। फिर बाकी का काम क्या रहेगा, जैसे कोई पॉइंट एकदम से नहीं समझ पाए, क्लास को दोबारा रिवाइंड करके दोबारा देख लें, है ना, तो दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाना चाहिए। तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। कहाँ है? तिब्बत में, तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील। और यहां से नदियां निकलती हैं, एक नदी निकल रही है जिसका नाम है सिंधु नदी, एक नदी निकल रही है जिसका नाम है सिंधु नदी, और एक नदी इससे निकल रही है जो यहां पे आके मिल जाती है जिसका नाम है सतलज, जिसका नाम है सतलज नदी, ठीक है। अब इसी के ऊपर मैं क्रम लिख रहा हूं। अब इसी के ऊपर अगर उत्तर की तरफ चलते चले जाएं तो यहां पे आपके सामने नदी आती है ब्यास, फिर आती है रावी, फिर आती है चिनाब, ठीक है, फिर आती है झेलम। तो ये नदियों का क्रम जिनसे आर्य लोग परिचित हैं, और ये बाकी आप लोग देखेंगे इसी क्रम में नदियां हैं भी, है ना। एक नदी की और चर्चा मिलती है जिसका नाम है सरस्वती, सरस्वती नदी। तो अब आप जरा यहां पर ध्यान से देखें, अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक दो तीन चार पांच छह और सात, इन सात को मिलाकर कहा गया सप्त सैंधव प्रदेश। जो भी हम लोगों ने देखा कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं आर्य लोग, ऐसा कहने वाले रहे अविनाश चंद्र घोष। तो यहां पे लिख सकते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश कौन है, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश कौन है, तो सिंधु नदी, सिंधु नदी प्लस उसकी सहायक नदियां एक दो तीन चार पांच, तो पांच सहायक नदियां हो गई, पांच सहायक नदियां और प्लस सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, ठीक है जी। तो सप्त सैंधव प्रदेश इस पूरे क्षेत्र को मिला के कहा जा रहा है। यहीं पे जैसे कि हमने कहा ये तो नदियां हो गई, अब इनके आपको वैदिक नाम जरूर पता हो कि इनको किस किस नाम से जाना जा रहा है, कि आर्य लोग इनको किस नाम से बुलाते थे, इनके पुराने नाम क्या हुआ करते थे। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं कि अगर मैं झेलम नदी की बात कर रहा हूं, झेलम, झेलम नदी का वैदिक नाम वितस्ता, झेलम नदी का वैदिक नाम वितस्ता है। आप आगे चल के पढ़ेंगे वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध तो सिकंदर और पोरस के बीच में होगा, हाइडेस्पीज का युद्ध भी बोलते हैं, यूनान का वो व्यक्ति, यूनान में हाइडेस्पीज के नाम से इस नदी को जाना जा रहा है। तो झेलम यानी वितस्ता, है ना। चिनाब की बात करें तो चिनाब का नाम है अस्किनी, चिनाब का क्या नाम है, चिनाब का नाम है अस्किनी, चिनाब का नाम है अस्किनी, ठीक है। उसके बाद रावी नदी, रावी नदी का वैदिक नाम परुषणी, रावी नदी का वैदिक नाम है परुषणी। ब्यास नदी, ब्यास नदी का वैदिक नाम है विपासा, ब्यास नदी का वैदिक नाम है विपासा। सतलज, सतलज का जो वैदिक नाम है वो है शतुद्री, शतुद्री। तो ये इनके वैदिक नाम जहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये वैदिक भूगोल के अंतर्गत ये नदियों से परिचित हैं, और ये कौन कौन सी नदियां हैं ये आपने देखी, इनके वैदिक नाम क्या है, बिल्कुल आपको नदियों के नाम देके इनके वैदिक नाम दिए जा सकते हैं और उनका मिलान कीजिए, इस तरीके से आपको दिया जा सकता है, ठीक है। वहीं पे इनके वैदिक नाम क्या है ये अलग से प्रश्न इंडिविजुअल पूछा जा सकता है। सप्त सैंधव प्रदेश में कौन शामिल नहीं है विकल्प से हम लोग देख लेंगे, है कि नहीं है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट जरा यहां समझ पाए कि आर्य लोग पर्वतों से भी परिचित हैं। भाई यहां पे पर्वत देखें तो एक पर्वत आप देखेंगे हिमालय पर्वत, हल्का सा मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, यहां पे कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत, थोड़ा सा शॉर्ट करें इसको,
तो आर्य लोग जो है हिमालय पर्वत, आर्य लोग हिमालय पर्वत से परिचित हैं, हिमालय पर्वत हिमालय से परिचित हैं। और हिमालय में एक पर्वत श्रेणी होती थी जिसका नाम है मूजवंत। क्या नाम है? मूजवंत पर्वत श्रेणी, मूजवंत पर्वत। इसके बारे में क्यों चर्चा मिलती है? क्योंकि यहीं से ये सोम पौधे की प्राप्ति करते थे, सोम पौधे की प्राप्ति करते थे, और सोम पौधे की प्राप्ति करके सोम रस बनाते थे, वाइन शराब का निर्माण इस पौधे से ये कर रहे हैं। ठीक है जी, हिमालय पर्वत से परिचित है। और ऋग्वैदिक आर्य अरावली पर्वत से भी परिचित है, अरावली पर्वत से। ठीक है, अरावली पर्वत की अगर बात करें तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली। इसकी चोटी का नाम जरूर लिख सकते हैं गुरु शिखर, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है जी, ये पॉइंट यहां ध्यान रखना है। मरुस्थल के संदर्भ में अगर बात करें तो इनसे तो परिचित है, मरुस्थल के संदर्भ में ये मरुस्थल को एक नाम से बुलाते हैं जिसका नाम है धन्व। मरुस्थल को एक नाम से बुलाते थे धन्व, कि भैया वैदिक काल में धन्व क्या है, तो तुरंत पहचान जाना है मरुस्थल की बात हो रही है, मरुस्थल के कंटेस्ट में बात हो रही है। ठीक है जी, तो ये ऋग्वैदिक भूगोल यानी वैदिक भूगोल आपको कुछ इस तरीके से यहां दिखाई देता है। इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्लियर है यहां तक? हाँ जी। अगला हेडलाइन दीजिए आप लोग, वेद। अगला हेडलाइन दीजिए वेद। और वेद में हम लोग जान पाए कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो क्रम में देखा गया, सबसे पहला वेद है आपके सामने ऋग्वेद। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, यहां पे ध्यान देना है ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करें, देखिए जो भी वेद है यहां से आपको प्रश्न कैसे मिलेंगे, भाई क्रम लगाओ इनका, वेद वेद तरही कौन है, ये पॉइंट। वेद जो भी वेद है उनका विषय वस्तु क्या है, थीम क्या है उनका, और उनके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है अगर, तो वो वहां से आपको एमटीएस में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे समझें कि ऋग्वेद की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है, सबसे बड़ा वेद है, सबसे प्राचीन सबसे बड़ा वेद है ना। ऋग्वेद की अगर बात करें तो ये कुल 10 मंडल में विभक्त है, कुल 10 मंडल में विभक्त है, जिसमें 10,580 मंत्र हैं, 10,580 मंत्र हैं, 1,028 सूक्त हैं, 1,028 इसमें सूक्त हैं। ठीक है जी, इसके संदर्भ में ध्यान रखना है, 1,028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं। और जो इसका ज्ञाता है, जो इसको जान रहा है ऋग्वेद का ज्ञाता, उसको होत्र के नाम से जाना जा रहा है ना, किस नाम से जान रहे हैं, होत्र। तो ऋग्वेद का जो ज्ञाता है, यानी ऋग्वेद का जो ज्ञाता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, होत्र, होत्र के नाम से जान रहे हैं। और इसी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम गोत्र का। सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख कहां मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ऋग्वेद के अंतर्गत। क्लियर यहां तक? वहीं पर बात करें वर्ण व्यवस्था और शूद्र, इनका पहला उल्लेख कहां मिलता है, तो वो भी आपका यही है, शूद्र और वर्ण, इनका सर्वप्रथम उल्लेख कहां है, सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में। क्लियर यहां तक की पिक्चर? इनको जरूर ध्यान रखें। तो जो वैदिक साहित्य में हमने ब्राह्मण ग्रंथ लिखा था, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, नाम याद रखें यहां पे। क्या है इसका ब्राह्मण ग्रंथ? इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। ठीक है जी, ओके। अब अगले पॉइंट की तरफ बात करें, समझते चलिए सारे पॉइंट, कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन सबसे बड़ा वेद, कितने मंडल, 10 मंडल में विभक्त है, कितने मंत्र हैं, 10,580 मंत्र हैं। ठीक है, 1,028 सूक्त हैं, ज्ञाता, इसके ज्ञाता को बोल रहे हैं होत्र, जो उल्लेख मिलता है इसमें गोत्र और शूद्र और वर्ण, इनका सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अब एक चीज जरा समझ पाए कि भाई 10,580 मंत्र हैं, तो इसका विषय वस्तु क्या होगा, इसका विषय वस्तु क्या होगा, या मंत्रों की स्तुति, क्यों जी, मंत्रों की स्तुति, यही होगा इसका। हाँ जी, अब जो 10 मंडल देखे, इसमें आपके सामने क्या प्रश्न मिल सकता है उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 10 मंडलों में तीसरा मंडल, सबसे इंपॉर्टेंट 10 मंडलों में तीसरा मंडल है, जिसको अगर हम लोग बात करें यह विश्वामित्र द्वारा रचित है। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। और इस तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है।
तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और ये भी विश्वामित्र के द्वारा रचित है। क्लियर है यहां तक? और सबसे महत्वपूर्ण अगर यहां पे बात करें कि गायत्री मंत्र किस देवी देवता को समर्पित है, गायत्री मंत्र किस देवी देवता को समर्पित है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है, और सरस्वती नदी को समर्पित है, सरस्वती नदी को समर्पित है, सरस्वती नदी। वापिस ला रहा हूं एक पॉइंट पे, आपको एक पॉइंट और यहां पे अपडेट कर सकते हैं, जो हम लोगों ने ऋग्वैदिक भूगोल देखा है, ये जो नदियां देखे हैं सबसे ज्यादा वर्णन यहीं पे मेंशन कर लें कि सर्वाधिक वर्णन किस नदी का है, सिंधु नदी का। अभी वापिस आ रहे हैं उस पर, सर्वाधिक वर्णन किस नदी का किया गया है इनमें, तो सिंधु नदी का। और सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, तो यहां पे सरस्वती है, सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी यहां पे देखने को मिलती है, जो कि गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है, ठीक है जी। हाँ, यमुना का 3 बार उल्लेख जरूर मिलता है, गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा उल्लेख सिंधु नदी का है। ये 2 पॉइंट यहां पे मैं चाहूंगा बिल्कुल आप कंटस्ट रखें, ठीक है जी। आइए वापिस आते हैं, तो तीसरा मंडल हम लोगों ने देखा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद हमें जानना है सातवां मंडल, सेवंथ मंडल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सातवां मंडल जो महत्वपूर्ण है, इसमें जरा समझ पाए, सातवां मंडल, और ये लिखा गया है वशिष्ठ के द्वारा, ये लिखा गया है वशिष्ठ के द्वारा, ठीक है जी। इसमें क्या वर्णित है, अब तक का सबसे पहला युद्ध इसी में वर्णित है, 10 राज युद्ध। क्या क्या वर्णित है, मैं लिख दे रहा हूं, 10 राज युद्ध, 10 राज युद्ध का वर्णन कहां किया गया है, तो सातवें मंडल में। किन के बीच होता है ये, तो राजा सुदास वजेस विश्वामित्र, ऐसा बताते हैं। विश्वामित्र एक समय पर इनके गुरु हुआ करते थे, लेकिन कुछ वाद विवाद हुआ, फिर विश्वामित्र ने ठाना कि इनको पराजित करना है, और 10 राजाओं की सेना बनाई, 5 आर्य 5 अनार्य, उनको एकत्रित किया और युद्ध किया। फाइनली इसमें जो विजयी हुआ वो राजा सुदास ही हुआ, ठीक है जी। तो पहले 10 राजयुद्ध का वर्णन कहां है, सातवें मंडल में, ऋग्वेद के कौन सी नदी के तट पे लड़ा गया, परुष्णी नदी के तट पे। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है कौन सी नदी के तट पे हुआ है, तो परुष्णी नदी, और परुष्णी नदी किसको बोलते हैं, अभी हम लोग बात किए रावि नदी को, है ना। तो कौन सी नदी के तट पे लड़ा गया है, परुष्णी नदी के तट पर यह युद्ध किया गया। तो तीसरा और सातवां मंडल यहां याद रखें, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और अगला मंडल है आपके सामने नौवां मंडल जो हमें याद रखना है, सारे मंडल नहीं जानने हैं, नौवां मंडल जो कि सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता, शराब के देवता, सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित, नौवां मंडल। नो मतलब नो मीन्स नो, डू नॉट ड्रिंक, ऐसे याद रखने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो याद रखें सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है, तो यहां पे नौवां मंडल यहां पे याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें दसवें मंडल की, तो अगला लिखेंगे दसवां मंडल। इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसमें वही 4 वर्ण बताए गए हैं कि भैया पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा यहां पे दे रखा है वैश्य, और चौथा बता रखा है शूद्र। तो ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद के अंतर्गत, ठीक है जी। तो इतने पॉइंट आपको ऋग्वेद के अंतर्गत जरूर से जरूर याद रखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नौवां मंडल और दसवां मंडल जो हमें जानना है, जहां से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। ऋग्वेद के बाद अगला मंडल जो है वो है यजुर्वेद। हेडलाइन दीजिए और इसके संदर्भ में बात करते हैं, यजुर्वेद। देखिए यहां पे यजु का मतलब है यज्ञ, यहां पे यजु का जो अर्थ है वो है यज्ञ, ठीक है जी। तो इसका विषय वस्तु क्या होगा, यज्ञ से संबंधित है। इसका विषय वस्तु क्या है, यज्ञ से संबंधित है, यानी इसके अंतर्गत
कर्म कांड की प्रधानता देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत कर्म कांड की प्रधानता मिलती है। हो सकता कोई बच्चा जान रहा हो कर्मकांड मतलब क्या है, कि मतलब यज्ञ से संबंधित जो भी कर्म होने हैं, ये सामग्री चाहिए, फलाना डिमका, कई सारी चीजें जो इसके अंतर्गत आवश्यक हो जाती हैं, तो वो सारे कर्मकांड इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। कर्मकांड की प्रधानता कौन से वेद में, तो यजुर्वेद के अंतर्गत देखने को मिलती है, यजुर्वेद। ठीक है जी, अब एक चीज जरा समझ पाए कि ये गद और पद दोनों में लिखा गया है, गद आपने हिंदी में सुना होगा अपठित गद्यांश, यानी एक पैराग्राफ होगा, और गद मतलब कि कुछ श्लोक भी हैं इसके अंतर्गत जो यज्ञ वगैरह में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो गद और पद में रचित हैं, और गद पद से निर्मित रचना, गद और पद से निर्मित रचना क्या कहलाती है, चंपू शैली। ध्यान रखेंगे, जिन्होंने नहीं सुना होता है फिर वो ये सोच भी नहीं पाते हैं कि चंपू शैली भी विकल्प हो सकता है, कि अब यजुर्वेद किस शैली में रचित है, चंपू शैली, क्योंकि गद और पद दोनों का इस्तेमाल इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। विषय क्या है, यज्ञ से संबंधित है, यहां पे देखना है। इसकी दो शाखाएं देखने को मिलती हैं, दो शाखाओं का उल्लेख मिलता है। एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो इसकी यजुर्वेद की दो शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ, यानी इसके अंतर्गत सारी जल प्रलय की कथा का वर्णन किया गया है। जल प्रलय की कथा का वर्णन इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसके अंतर्गत। ठीक है जी, वहां जो ज्ञाता होता था होत्र, यानी जो वहां का पुरोहित है, यहाँ के पुरोहित को, यानी जो यज्ञ वगैरह करवा रहा है उसको बोलते हैं अधर्व्यो। किस नाम से जानते हैं, एक मिनट और ध्यान रखें कि यहाँ के पुरोहित को क्या बोल रहे हैं, अधर्व्यो नाम से इसको जाना जा रहा है। क्लियर है तक की पिक्चर? हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यजुर्वेद के अंतर्गत इतने पॉइंट आप लोगों को जरूर ध्यान रखने हैं, और अब जब यज्ञ से संबंधित है तो जो भी धार्मिक अनुष्ठान होना है वो सारा मामला कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा यजुर्वेद के अंतर्गत। ठीक है जी, तो क्या है, धार्मिक अनुष्ठान का संबंध किससे है, तो ये भी यहां पे याद रखें, धार्मिक अनुष्ठान। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, तो यजुर्वेद के अंतर्गत धार्मिक अनुष्ठान का भी वर्णन देखने को मिलता है। विषय वस्तु क्या, यज्ञ से संबंधित है। कर्मकांड की प्रधानता देखने को मिलती है। दो शाखाओं का उल्लेख मिलता है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। माफी चाहते हैं, ऐत्रेय हमने पहले लिखा है, शायद ऐत्रेय हम लोग लिख चुके हैं, ये ऐत्रेय नहीं है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। माफी चाहते हैं, इसको अपडेट कर लीजिएगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ऐत्रेय तो हम लोग ऋग्वेद का है, इसका है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो यजुर्वेद के संदर्भ में इतने पॉइंट जहां से आपको प्रश्न मिल सकते हैं। अगला वेद है सामवेद, उसके बारे में बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये शतपथ है, इसको अपडेट कर लीजिएगा प्लीज। अगला है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, सॉरी सामवेद। अगला वेद है आपका सामवेद। सामवेद की बात करें तो यहां पे जो साम है इसका मतलब है संगीत, साम का मतलब होता है संगीत। तो यानी सामवेद का जो विषय वस्तु है वो क्या है, संगीत से संबंधित है, ध्यान रखना है। ठीक है जी, इसी सामवेद में श्री कृष्ण भगवान, आप देखेंगे कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं को सामवेद कह रहे हैं। भाई मुरली बजाई उन्होंने, सुर निकले, तो सात सुरों का वर्णन भी इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। सामवेद में ही सात सुरों का वर्णन इसी वेद में देखने को मिलता है, सामवेद। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
और इसका जो ज्ञाता है उसको बोलते हैं उद्ज्ञाता, है ना। इसका जो ज्ञाता है उसका नाम है उद्गाता, जो इसके संदर्भ में कार्य कर रहा है, जो इसका पुरोहित है बेसिकली। तो लिख सकते हैं सामवेद का जो पुरोहित है उसको बोल रहे हैं उद्गाता, पुरोहित है इसको बोला जा रहा है उद्गाता। ये पॉइंट यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। प्रारंभ में इसकी 1000 संहिताएं उपलब्ध थी, 1000 संहिताएं, तो ऐसा बताया जाता है कि बाकी सब नष्ट हो गई हैं, 3 अभी उपलब्ध हैं। तो सामवेद की 3 संहिताएं कौन सी हैं वो जरूर ध्यान रखें, वहां से प्रश्न मिल सकता है ना। तो सामवेद की 3 संहिताएं, 3 संहिताएं, सामवेद की 3 संहिताएं जहां से हमें सामवेद की जानकारी मिलती है, एक है कौथुम, कौथुम, ठीक है। एक है राणा रणीय, राणा रणीय। एक है जैमिनीय, जैमिनीय, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। यहां पे प्रश्न कैसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामवेद की संहिता नहीं है, तो कौथुम, राणा रणीय और जैमिनीय, ये 3 इसकी संहिताएं हैं सामवेद के संदर्भ में। तो इतने लिमिटेड पॉइंट आप लोगों को इसके संदर्भ में ध्यान रखने हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो पंचविश इसका ब्राह्मण ग्रंथ यहां पे जिसका उल्लेख मिलता है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ, इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसका नाम है पंचविश, पंचविश इसका ब्राह्मण ग्रंथ। पंचविश मतलब 5, विश मतलब 20, तो 25 अध्यायों में ये बेसिकली पूरा संकलित किया गया है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ। क्लियर है जी। तो सामवेद के संदर्भ में इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला और अंतिम वेद, यदि ये तो हो गए आपके पूरे वेद त्रयी, अंतिम वेद लिखेंगे अथर्ववेद, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अंतिम वेद है आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें तो ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, ये दूसरा सबसे बड़ा वेद है, दूसरा सबसे बड़ा वेद है। भाई सबसे बड़ा वेद तो ऋग्वेद है, उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा वेद अथर्ववेद आ जाता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा रचित है, ये ऋषि अथर्वा के द्वारा, ऋषि अथर्वा के द्वारा ये रचित है, ऋषि अथर्वा द्वारा रचित है। सबसे बड़ा वेद है और सबसे नया वेद है, दूसरा सबसे बड़ा है ना और सबसे नया वेद। सबसे नए वेद की बात करें तो कौन है, अथर्ववेद। इसका विषय वस्तु आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका विषय वस्तु क्या है, इसका विषय वस्तु भाई जहां पे यज्ञ संगीत और आपने देखा मनुष्य के बारे में सारे मंडल मंत्र इन सब के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन यहां पे जादू टोना टोटका वशीकरण भूत प्रेत भगाने वाले मंत्र इन सब का यहां पे वर्णन मिलता है। इवन आयुर्वेद का भी सबसे पहला उल्लेख इसी अथर्ववेद के अंतर्गत किया गया है। तो यहां पे लिख सकते हैं इसका विषय वस्तु जादू टोना टोटका, जादू टोना टोटका, ये इसका विषय वस्तु है, जादू टोना टोटका, ठीक है। उसके बाद वशीकरण वाले मंत्र, किसी को वश में करना है वशीकरण के मंत्र, भूत प्रेत भगाने वाले मंत्र, भूत प्रेत भगाने वाले मंत्र, और रोग निवारक मंत्र, रोग निवारक मंत्र, रोग निवारक मंत्र, इन सब का वर्णन, ये पूरा थीम है अथर्ववेद का, ये सारा वर्णन यहां पे किया गया है। वहीं पे बात करें तो आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख यही मिलता है, आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख, आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहां मिलता है, तो ध्यान रखना है आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद के अंतर्गत किया गया है। क्लियर है जी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो अथर्ववेद में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करें, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ की, ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो गौपद ब्राह्मण ग्रंथ इसका देखने को मिलता है, गौपद ब्राह्मण ग्रंथ। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ लिख रहे हैं, है ना, आपने लिखा शतपद ऐत्रेय और गौपद, तो प्रश्न कैसे होगा, आपके सामने वेद लिखे होंगे और उसके सामने उनके ब्राह्मण ग्रंथ, मिलान कीजिए। या आपसे सिंपल डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ बताइए, तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐसे आप लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। इसी अथर्ववेद में बताया गया है सभा और समिति, इसी अथर्ववेद में बताया गया है सभा और समिति,
सभा और समिति ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। कौन है? प्रजापति, प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। प्रजापति की दो पुत्रियों का उल्लेख मिलता है जिनको सभा और समिति के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट में चाहूंगा और याद रखें, आप आगे चल के पढ़ेंगे 16 महाजनपद, हम लोग महाजनपद काल में देखेंगे उसको, कल हमने सिलेबस डिस्कस किया था, तो उसमें एक महाजनपद है मगध और एक है अंग, उन दोनों का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है, तो उन महाजनपदों का उल्लेख भी मिल रहा है। तो कौन से महाजनपद हैं यहां पे? मगध और अंग, ये यहां पे इनका उल्लेख देखने को मिलता है, इन महाजनपदों का। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे एक नोट डाल के एक पॉइंट और लिखेंगे कि जो इसका ज्ञाता है, अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या बोल रहे हैं? अथर्ववेद के ज्ञाता यानी पुरोहित को क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा, ब्रह्मा नाम से इसको संबोधित किया जा रहा है। नोट डालकर एक पॉइंट लिख लें इसमें, अथर्ववेद का कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है, अथर्ववेद का कोई अरण्य ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ, अथर्ववेद का कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है, जबकि मैं बोल दे रहा हूं नोट करेंगे, जबकि अन्य वेदों के अरण्य ग्रंथ उपलब्ध हैं, उनकी संख्या तमाम है, सबके बारे में नहीं जानना है। तो अरण्य ग्रंथ कौन से वेद का उपलब्ध नहीं है, आपको ध्यान रखना है, अथर्ववेद का नहीं है भाई, बाकी सब के हैं, अरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, किसका? अथर्ववेद का। तो वैदिक साहित्य में हमने देखा वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, और अरण्य ग्रंथ केवल इसका ही नहीं है, बाकी सबके अरण्य ग्रंथ मिलते हैं। ठीक है जी, नोट है यहां तक। अब अगला हेडलाइन दीजिए, अगला हेडलाइन दीजिएगा उपनिषद, अगला हेडलाइन दीजिए उपनिषद, नोट कर लिए होंगे, अगला हेडलाइन दीजिएगा उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद। अब जरा इसका मतलब समझें कि यहां पे उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब है समीप, और निषद का मतलब है बैठना, बैठकर, इसका मतलब है बैठकर। तो यानी किसके समीप बैठकर? गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा, शिक्षा ग्रहण करना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, और जिसको हम लोग एक शब्द में अगर कहें तो हम लोग उसको बोलते हैं अंतेवासी। क्या बोलते हैं? अंतेवासी, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, ये उपनिषद का मेन थीम है, है ना। इनकी संख्या की अगर बात करें, उपनिषद की संख्या कितनी है, तो इसकी कुल संख्या मिलती है 108, उपनिषद की कुल संख्या है 108। इसके विषय वस्तु की अगर बात करें, इसके विषय वस्तु की अगर हम लोग बात करें, तो इसका विषय वस्तु क्या है? दार्शनिक है, आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है, है ना, हम कह सकते हैं दार्शनिक है। इसका जो विषय वस्तु है, इसका थीम यही देखने को मिलता है, उपनिषद। ठीक है जी, गुरु के समीप बैठ के शिक्षा यहां पे प्राप्त की जा रही है। यानी अगर हम कहें कि हिंदू दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अगर कोई है तो उपनिषद है। मैंने क्या कहा? हिंदू दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, हिंदू दर्शन, हिंदू दर्शन का, हिंदू दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, हिंदू दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये उपनिषद के बारे में बहुत ही फैक्चुअल पॉइंट जो आपको ध्यान रखने, तो संख्या बिल्कुल याद रखें, इसका थीम याद रखें, हिंदू दर्शन का सबसे प्रमुख स्रोत किसको माना गया है? उपनिषद को माना गया है। उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, ये सारी चीजें। इसका एक अन्य नाम भी मिलता है जिसको बोला गया है वेदांत, क्योंकि इसको सबसे अंत में रचा गया है ना, तो इसका एक अन्य नाम क्या है, मैं यहीं पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं, इसको हम लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं, वेदांत, क्योंकि वेदों में, वेदों में या वैदिक साहित्यों में आप कह सकते हैं, वैदिक साहित्यों में, वैदिक साहित्यों में सबसे अंत में, वैदिक साहित्यों में सबसे अंत में, सबसे अंत में इन्हें रचा गया, इन्हें, इन्हें रचा गया, वैदिक साहित्यों में सबसे अंत में इनको रचा गया है, इसलिए इनको वेदांत के नाम से जाना जा रहा है। अब देख रहे हैं कितने प्रश्न यहां से बन सकते हैं आपके सामने। ठीक है, अच्छा अब इसका कौन कौन से उपनिषद हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले उपनिषद की बात मैं करने जा रहा हूं, वो है वृद्रनायक, वृद्रनायक,
वृद्रनायक उपनिषद, वृद्रनायक उपनिषद, और ये सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो वृद्रनायक उपनिषद यहां पे देखने को मिलता है। सबसे प्राचीन कौन सा उपनिषद? वृद्रनायक उपनिषद। ठीक है, उसके बाद बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण आता है कठ उपनिषद, जहां से बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न आता है कि भाई यम और नचिकेता का संवाद कौन से उपनिषद में दिया गया है, तो कठ उपनिषद है ना। अभी पहले टॉपिक को अपने प्रिपेयर कीजिए इस 30 दिन के संदर्भ में, क्योंकि 30 दिन का ही पूरा फॉर्मेट है जहां पे हम लोग पूरे इतिहास को समझने वाले हैं, है ना। तो उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन भी देखेंगे, और मैं आपसे बार बार यही कहूंगा ये करवाया है या नहीं करवाया है, तो ध्यान से समझते हुए चलिए ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूट ना पाए। अगला है कठ उपनिषद, अगला यहां पे लिखेंगे कठ उपनिषद, यानी जो अगला उपनिषद है इंपॉर्टेंट दूसरे नंबर का, कठ उपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद। और यहां पे क्या वर्णित है? यम और नचिकेता, यम और नचिकेता का संवाद, यम और नचिकेता का संवाद। बिल्कुल प्रश्न मिलता है यम और नचिकेता का संवाद कहां वर्णित है, तो कठोपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? वृद्रनायक उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद। ठीक है जी, वहीं पे हम देखेंगे मुंडक उपनिषद। आपने शब्द सुना होगा सत्यमेव जयते, कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद यहां पे ध्यान रखेंगे। तो यानी अगला उपनिषद जो हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं तीसरे नंबर का, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद है ना। यहां पे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये पॉइंट यहां पे ध्यान रखेंगे। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते, ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मुंडक उपनिषद। और अगला देखेंगे श्वेताश्वर उपनिषद, एक उपनिषद और है जिसका नाम है श्वेताश्वर, चौथे नंबर का लिख रहा हूं मैं, श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। और यहां पे मोक्ष का सबसे पहले वर्णन किया गया है, मोक्ष का वर्णन सबसे पहले यहां पे किया गया, मोक्ष का वर्णन। तो मैं चाहूंगा चार उपनिषद आप लोग जरूर से जरूर याद रखें, ठीक है। एक उपनिषद और है जिसकी चर्चा मिलती है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला लिखेंगे जाबाल उपनिषद, क्या है? जाबाल, जाबाल उपनिषद, जाबाल उपनिषद। और जाबाल उपनिषद की अगर बात करें तो यहां पे ब्राह्मण आश्रम के बारे में बताया गया है, यानी चार आश्रम की चर्चा यहां पे की गई है, चार आश्रम, यहां पे चार आश्रम की यहां पे चर्चा देखने को मिलती है, चार आश्रम, ठीक है जी। तो कौन से उपनिषद में वर्णन है? जाबाल उपनिषद। चार आश्रम क्या है जरा इसके बारे में समझें, कि चार आश्रम का मतलब कि एक व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष मानी गई है, कि 0 से 25 मतलब चार टुकड़ों में बांट दिया है, 0 से 25 पढ़ाई में ध्यान दे, शिक्षा ग्रहण करे, 25 से 50 भाई विवाह संबंधी गृहस्थ आश्रम यानी गृहस्थ जीवन बिताए, उसके बाद भौतिक सुख सुविधाओं को हटा दे अपने जीवन से, और अंत में संन्यास ले ले। तो कुछ इस तरीके से चार आश्रम की व्यवस्था यहां पे देखने को मिलती है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य, ठीक है। दूसरा गृहस्थ, दूसरा है गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम। और तीसरा है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ। और चौथा है संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ये पूरे उपनिषद का पोस्टमार्टम आपके सामने है, बनाओ भैया प्रश्न, है ना। ऐसे कॉन्फिडेंस से आपको तैयार रखना है कि बनाओ एग्जामिनर, कहां से प्रश्न बनाओगे, वी गाइज आर प्रिपेयर नाउ, ठीक है जी। तो इसको ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उपनिषद के संदर्भ में इतने पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। क्लियर यहां तक की पिक्चर? और अंत में देखते हैं, अंत में देखते हैं पूरा इसकी विशेषताएं क्या क्या है ना, कि अगर यहाँ के समाज की बात करें, राजनीतिक जीवन की बात करें, यहाँ के धार्मिक आर्थिक जीवन की बात करें, तो इसको हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के साथ ऋग वैदिक काल को जोड़कर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, और हेडलाइन दीजिएगा ऋग वैदिक काल की विशेषताएं, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल की विशेषताएं, ऋग वैदिक काल की विशेषताएं, ऋग वैदिक काल की विशेषताएं। अब इसकी क्या विशेषताएं थी, इसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ रहे हैं, जरा यहां पे ध्यान दीजिए, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा इस तरीके से, और इस तरफ हम लोग बात करेंगे
ऋग्वैदिक काल की, इधर हम लोग बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की, और इधर हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। इसको हम लोग इसी से जोड़ के पढ़ेंगे क्योंकि यहीं से आपको प्रश्न मिलना है। उत्तर वैदिक काल, इधर ऋग्वैदिक काल और इधर उत्तर वैदिक काल, ठीक है जी। ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें समाज की, तो यहाँ पे जो समाज है वो छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ है ना। यहाँ पे जो समाज है वो छोटे छोटे कबीलों में बटा है, छोटे छोटे कबीलों में बटा है, और इन कबीलों को क्या कहा जाता है, जन। इन कबीलों को क्या कहा जाता है, जन। और जन, प्रत्येक जन का, यानी प्रत्येक जन का एक राजा होता है, प्रत्येक जन का एक राजा है, प्रत्येक जन का एक राजा है, और राजा वंशानुगत है। राजा वंशानुगत है कि मतलब एक बार राजा के यहां पुत्र हो गया तो भैया छोटे राजकुमार ने जन्म ले लिया, है ना, इस तरीके से मामला यहाँ पे चल रहा है। लेकिन डॉक्टर के यहाँ कोई जन्म ले लिया तो कोई नहीं कहेगा डॉक्टर के यहाँ डॉक्टर जन्म लिया है, तो वो तो योग्यता हो गई, योग्यता के अनुसार डॉक्टर बने भाई, वकील बने, शिक्षक बने, वो उसकी योग्यता है। लेकिन यहाँ राजकुमार के यहाँ जन्म ले रहा है तो मामला कैसा है, वंशानुगत, छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ है, और ये राजा जो है अपनी प्रजा की रक्षा करता है, अपनी प्रजा की ये रक्षा करता है, और जो रक्षा कर रहा है तो जो प्रजा है वो खुशी से इनको एक कर देती है, टैक्स देती है, स्वैच्छिक कर, यानी अपनी खुशी से दे रही है, जिसका नाम है बलि। क्या नाम है, बलि। यानी जो प्रजा की रक्षा हो रही है इसके एवज में, इसके बदले में प्रजा क्या कर रही है, स्वैच्छिक कर, स्वैच्छिक कर दे रही है, जिसका नाम है बलि। बलि याद रखना है, बलि क्या है, बलि किसी की बलि नहीं चढ़ा दी, बलि का मतलब है कर, टैक्स है। ऋग्वैदिक काल में ये स्वैच्छिक हुआ करता था, ठीक है जी, यहां पे पॉइंट ध्यान रखना है। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें तो वर्ण व्यवस्था ये कर्म के आधार पे है, यहां का जो समाज है वो वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पे रखता है। थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, यहां पे वर्ण व्यवस्था कैसी है, वर्ण व्यवस्था यहां पे भी कर्म के आधार पर है भाई, हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखा था, है ना, कर्म के आधार पर है, यानी उसके व्यवसाय के आधार पर है, जो जैसा काम कर रहा है उसके अनुसार उसका वर्ण विभाजन देखने को मिलेगा, यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी के सापेक्ष अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें, इसी के सापेक्ष उत्तर वैदिक काल, तो आप देखेंगे कि यहां पे छोटे छोटे कबीले हैं जिनको जन कहा जा रहा है, तो यहां पे कबीलाई व्यवस्था समाप्त हो गई, यहां पे कबीलाई व्यवस्था, कबीलाई व्यवस्था समाप्त, और जनों को सामूहिक, जनों का सामूहिकरण कर दिया गया, यानी अब जो जन है अब वो कहलाने लगे महाजनपद, अब वो कहलाए जाने लगे महाजनपद। जन मतलब जिला, अब महाजनपद मतलब अब राज्य बन गया है, बड़े क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया गया, जन जो है महाजनपद बन गए उत्तर वैदिक काल में। यहां राजा वंशानुगत था, अब यहां राजा निर्वाचित होने लगा, यहां राजा निर्वाचित होने लगा। भाई एक राजकुमार के चार पुत्र हैं, अब कौन योग्य है, निर्वाचन होगा, है ना, उसके कई सारे माध्यम, जिसके माध्यम से वो निर्वाचन करते हैं उसका। अब यहां राजा प्रजा की रक्षा कर रहा है, यहां भी राजा प्रजा की रक्षा कर रहा है, लेकिन यहां स्वैच्छिक कर मिल रहा था, यहां पे अब कर अनिवार्य कर दिया गया, कर का मतलब बलि ही है ना। अब यहां पे राजा जो है अनिवार्य कर ले रहा है, भैया कर देना पड़ेगा, चाहे रक्षा करें ना करें, है ना, अनिवार्य कर, अनिवार्य कर कर दिया गया, और वो था बलि, कर तो बलि ही है, और ये बलि उपज का कर दिया गया भैया, एक बट्टे छह दोगे, एक बट्टे छह भाग, जो भी उपज हो रही है उसका एक बट्टे छह भाग बलि के रूप में पहुंचा देना, क्लियर है जी। तो यहां का समाज कुछ इस तरीके से प्रतीत होता है, ये पॉइंट इसमें ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहां का व्यापारिक जीवन देखें, मैं ऋग्वैदिक काल में लिख रहा हूं, आप उत्तर वैदिक इधर ही रखेंगे। यहां का थोड़ा अगर हम लोग व्यापारिक जीवन देखें तो गाय ऋग्वैदिक काल में, मैं लिख देता हूं ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर कोई रहा तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी गाय। गाय के लिए युद्ध हो जाते थे, जिसके पास सबसे ज्यादा गाय है सबसे अमीर व्यक्ति माना जा रहा है, कि भाई सबसे अमीर वर्ग का यही है, है ना, तो गाय सबसे महत्वपूर्ण। और गाय के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है अघन्या, यानी अघन्या का मतलब जिसका वध ना किया जा सके, जिसको ना मारा जाए, है ना, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, गाय। और इसी के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, अघन्या, अघन्या शब्द
गाय के लिए, अघन्या शब्द गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है, यहां पे ध्यान रखें। और अघन्या का मतलब क्या है? जिसका वध ना किया जाए, जिसका वध ना किया जाए। यहां पे पॉइंट ध्यान रखें, ठीक है। अघन्या मतलब जिसका वध ना किया जाए। और यहीं पे ऋग्वैदिक काल में जो व्यापारिक समुदाय है, जो व्यापार कर रहा है, व्यापारिक समुदाय, उसको बोला गया पणि। पणि कौन है? व्यापारिक समुदाय है। ये सारे फैक्चुअल नाम है जो आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, क्रमिक वे में हम लोग चल रहे हैं। समाज कैसा है, व्यापारिक जीवन कैसा है, उसको देख रहे हैं। आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन कैसा होगा, उसको भी देखेंगे। तो व्यापारिक समुदाय जिसको पणि नाम से जान रहे हैं, ठीक है। यहीं पे एक आभूषण मिलता है जिसका नाम है निस्क। निस्क, और ये निस्क क्या है? गले में पहने जाने वाला आभूषण, गले में पहने जाने वाला आभूषण, जिसकी चर्चा यहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आते उत्तर वैदिक काल में, इधर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस तरीके से। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल के आते आते यहां पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाय थी। अब यहां पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गई कृषि, सर्वाधिक, क्योंकि लोहे का विकास 1000 ईसा पूर्व में लगभग देखने को मिला है ना। तो अब कृषि को महत्वपूर्ण बना दिया, हालांकि गाय भी महत्वपूर्ण थी, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात हो रही है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन हो गया यहां पे? सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहां पे कृषि हो गई, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि, ठीक है जी। यहां व्यापारिक समुदाय पणि है, यहां पे व्यापारिक समुदाय हो गया वणिक। व्यापारिक समुदाय क्या हो गया? व्यापारिक समुदाय वणिक है ना। अब देखेंगे मैक्सिमम प्रश्न जो आप अभी देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर से, जो गुजर रहा है, मैक्सिमम प्रश्न एमडीएस ऑलरेडी पूछ चुका है, कई सारे प्रश्न ऑलरेडी पूछ चुका है जो, लेकिन कई बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो नहीं पूछे गए हैं, तो सारे पॉइंट आपको जानने हैं। एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा, है ना। बस इसको बढ़िया से कंटेस्ट करते चलिए और आप देखेंगे 30 दिन के अंतर्गत बहुत बढ़िया मामला आपके 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 हाथ में आ जाएगा, है कि नहीं है। तो व्यापारिक समुदाय वणिक कहा जा रहा है, ठीक है जी। निस्क यहां पे गले का मामला है, तो उत्तर वैदिक काल में कुछ यहां पे इस तरीके से प्रतीत होता है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। और यहीं पे उत्तर वैदिक काल में पहली बार पालतू पशु बनाया गया, यहां पे नोट डाल के लिख लेंगे पॉइंट कि उत्तर वैदिक काल में पहली बार पालतू पशु बनाया गया। किसको? हाथी को। पालतू पशु हाथी बना दिया गया, क्लियर है ये पॉइंट। अब एक लास्ट पॉइंट और बचता है इसके अंतर्गत, इसकी विशेषताओं में, वो है धार्मिक विशेषता, उसको और देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला लिखिए विशेषता। यहां हम लोग लिख रहे हैं ऋग्वैदिक और यहां पे उत्तर वैदिक, ठीक है जी। उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल। यहां पे धार्मिक विशेषता की बात करें तो बहुदेववादी प्रथा यहां पे मौजूद है। बहुदेववादी मतलब अनेक देवी देवता की पूजा उपासना का वर्णन यहां मिलता है। ऐसा बताते हैं 33 देवी देवताओं का उल्लेख यहां मिलता है, ठीक है। जिनमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र देवता का मिलता है। सबसे ज्यादा वर्णन इसका किया गया है, इंद्रदेव का सबसे ज्यादा वर्णन देखने को मिलता है, 250 सूक्त लगभग इन्हीं के संदर्भ में, क्लियर है जी, सबसे ज्यादा वर्णन। और इनको ऋग्वैदिक काल में क्या कहा गया? पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किलों को ध्वस्त करने वाला, ठीक है। इन्हें इंद्र का वाहन कौन है? हाथी। और हाथी के नाम का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है एरावत। कौन है हाथी? एरावत। तो ये यहां पे वर्णन कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके विपरीत उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहां बहुदेववादी है, यहां पे एकेश्वरवादी आ गया। एकेश्वरवादी प्रथा यहां पे इंद्र का स्थान ब्रह्मा ले लिए
इंद्र का स्थान, इंद्र का स्थान ब्रह्मा ने ले लिया, स्वतंत्र देवता बना दिए गए विष्णु, स्वतंत्र देवता बना दिए गए विष्णु, ठीक है। और सभी दिशाओं के स्वामी, सभी दिशाओं के स्वामी, सभी दिशाओं के स्वामी बना दिए गए रुद्रदेव, कौन है? भगवान शिव। और इन्हीं को कहा गया एक रूप मिलाकर त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, नाम सुने हैं त्रिदेव, ठीक है जी। तो ये यहां की कुछ धार्मिक विशेषताएं, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। ये था आपका पूरा मामला वैदिक काल का, जो हम लोगों ने एक क्लास में समाप्त करने का प्रयास किया। यहां से आप देखेंगे कोई प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है, बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे और आप पाएंगे कि सारे प्रश्न आप लोग मक्खन मलाई की तरह बनाते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है जी। अगला खंड हम लोग शुरू करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, क्योंकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते मानव, क्योंकि यज्ञ शुरू हो चुका था यजुर्वेद वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में यज्ञों की प्रथा शुरू हो गई, और जो इतने कर्मकांड होते थे, हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो यज्ञों को करवा सके, क्योंकि ये सामग्री वो सामग्री तमाम चीजें, और उसके लिए चाहिए पैसा, और एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति, एक आम व्यक्ति इस चीज को नहीं करवा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक अशांति का दौर देखने को मिला और भारत एंटर कर गया 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जहां पे 62 से ज्यादा चिंतक विचारक देखने को मिले, और जिनमें सबसे महत्वपूर्ण रहे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। तो अगला सेशन जो हमारा होगा बौद्ध धर्म का होगा और जैन धर्म, और उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे महाजनपद काल की तरफ, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं आप देखेंगे, अगंतुक निकाय है, भगवती सूत्र है, जहां से पता लगता है कि हाँ 16 महाजनपद थे, और उन 16 महाजनपद में सबसे टैलेंटेड मगध, और इसी क्रम में हम लोग मगध, फिर मौर्य साम्राज्य आएगा, मौर्योत्तर काल, गुप्त, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल, और अंत में हम देखेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। तो इस क्रम में हम लोग बहुत जल्दी 8 से 10 दिन में प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त कर लेंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको सेशन समझ में आया होगा, कोई भी डाउट बने तो अपने जरूर प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस कर लें, ठीक है जी। तो चलिए मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और टारगेट एक ही रहे कि इस 60 दिन के अंदर MTS क्रैक होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।